पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है, और यमुना नदी में कितना पानी आता है ये हरियाणा के ऊपर निर्भर करता है कि वो यमुना नदी में कितना पानी छोड़ते हैं। वो लेवल है जो लगातार एवरेज मेंटेन होना होता है। अगर आप 2023 में इस समय देखिए, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में 674.5 फीट का वाटर लेवल मिनिमम मेंटेन्ड वजीराबाद में रहा, लेकिन इस साल 1 मई से ही हरियाणा ने दिल्ली को अपने हिस्से का पानी देना कम कर दिया और लगातार यमुना का वाटर लेवल गिर रहा है। 1 मई को यमुना का वाटर लेवल वजीराबाद पर 674.5 फीट था। 8 मई तक एक हफ्ते के अंदर अंदर ये गिर के 672 फीट पर आ गया। लगातार पानी का स्तर गिरता रहा और 20 मई पे ये 671 फीट पर आ गया। 24 मई तक ये पानी का स्तर 670.2 फीट पर आ गया और आज पानी का स्तर 669.8 फीट पर पहुंच गया है। जब हरियाणा दिल्ली में पानी नहीं छोड़ती, जब यमुना नदी में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जाता, इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि जो पानी दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में आ रहा है, उस पानी की संख्या घट जाती है, उसका अमाउंट घट जाता है। जब रॉ वाटर का अमाउंट घट जाता है तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पानी ट्रीट करते हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं, उसकी मात्रा भी घट जाती है। इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ हफ्तों से और ख़ास करके पिछले 1 हफ्ते में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। हमने इसको ओवरकम करने के लिए, जैसा कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, जिन जिन एरियाज में बोरवेल्स हैं उनकी हमने रनिंग टाइम ऑलमोस्ट डबल कर दिया। 6-7 घंटे से बढ़ाकर 14-14 घंटे उन बोरवेल्स को चलाया जा रहा है पानी को सप्लीमेंट करने के लिए। वाटर टैंकर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन क्योंकि पानी का स्तर लगातार घट रहा है, इसलिए आज से कुछ और भी कदम हमें उठाने पड़ रहे हैं। आज से दिल्ली के कई हिस्सों में जहाँ जहाँ पर दिन में 2 टाइम की पानी की सप्लाई आती है, उसको रिड्यूस करके 1 सिंगल टाइम की पानी की सप्लाई दी जाएगी। जो 2nd टाइम की सप्लाई से पानी बचेगा, जो वाटर डेफिशिएंट एरियाज हैं जहाँ पर आज के दिन में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, यहाँ या जहाँ पर 15 मिनट पानी आ रहा है, 20 मिनट पानी आ रहा है, 2nd टाइम की कुछ एरियाज की वाटर सप्लाई को रैशनलाइज करके जो ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर पानी की सप्लाई दी जाएगी। मुझे पता है कि जहाँ पर 2 टाइम पानी आ रहा है वहाँ पे 1 टाइम पानी काटने से लोग परेशान होंगे, लेकिन मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, हम सभी दिल्ली वालों के बारे में सोचें। हम एक विकट परिस्थिति में आज खड़े हैं जहाँ पे दिल्ली की रॉ वाटर सप्लाई को हरियाणा द्वारा रोका जा रहा है, और आज की स्थिति में हम दिल्ली के कुछ हिस्सों को बिल्कुल 0 वाटर सप्लाई पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मुझे पता है परेशानी होगी, लेकिन मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसमें कोऑपरेट करें। दूसरा, मेरी आज सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि चाहे आपके एरिया में पानी की समस्या हो या आपके एरिया में अभी पानी की समस्या ना हो, प्लीज़ पानी की सप्लाई को बहुत केयरफुली यूज़ करें। आज के दिन में जब दिल्ली में पानी की सप्लाई इतनी घट गई है,
आज के दिन में जब दिल्ली के कई हिस्सों में बिल्कुल पानी की सप्लाई नहीं पहुंच रही है, हम सबकी भी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते, कि जिस जिस के पास पर्याप्त सप्लाई आ रही है उसको वो वेस्टफुली इस्तेमाल ना करें। कृपया करके अपनी गाड़ियों को खुली पाइप से ना धोएं। कहीं पर भी पानी की सप्लाई के पानी को गाड़ियां धोने के लिए यूज़ ना किया जाए। ये बहुत वेस्टफुल यूज़ है पानी का और इसमें बहुत पानी वेस्ट होता है। आज भी मैंने देखा साउथ दिल्ली के कई रेजिडेंशियल एरियाज़ में कि लोगों के घरों के बाहर उनके ड्राइववेज में पानी बह रहा है गाड़ियों के धोने से। तो मेरी सबसे ये अपील है कि आप गाड़ियां ना धोएं। अगर अगले एक दो दिन में इस पब्लिक अपील से काम नहीं चलता तो हो सकता है हमें एक्सेस यूज़ ऑफ वाटर का पर चालान भी लगाना पड़े, लेकिन अभी हम सिर्फ दिल्ली वालों से अपील कर रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, आप अपनी मोटर पर प्लीज़ ध्यान रखिए जब पानी भर रहे हैं। अभी भी दिल्ली के कई हिस्सों में टंकियों से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, सड़कों पर आ रहा है। जब पानी की इतनी शॉर्टेज है, इस तरह का मिसयूज़ बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और तीसरा, डे टू डे जो हमारे घर का भी कंजम्पशन है, जहाँ जहाँ पर हो सके पानी के यूटिलाइजेशन को जितना बेस्ट पॉसिबल तरीके से कर सकते हैं, बिना पानी को वेस्ट किए हुए कर सकते हैं। मेरी आप सबसे ये अपील है कि दिल्ली इस समय अक्यूट हीट वेव से गुजर रही है और दिल्ली में इस समय हरियाणा पानी बहुत कम छोड़ रहा है, तो सभी दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर साथ आएं और इस समस्या का समाधान करें। थैंक यू। ये जो आपने कहा कि चालान लगाना पड़ सकता है, ये किस स्थिति में है, ये किस तरह की अपील है? देखिए, मेरी अभी ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे वेस्टफुल यूटिलाइजेशन है, अभी हम अपील कर रहे हैं लोगों से, लेकिन अगर हमें अगले एक दो दिन में लगेगा कि अपील से नहीं हो रहा है फिर भी वेस्टफुल यूज़ हो रहा है, तो फिर हमें इसमें वेस्टफुल यूज़ पे, जैसे गाड़ियों को धोना रनिंग वाटर से, चाहे टंकियों की ओवरफ्लो से, तो हो सकता है हम एक दो दिन में फिर चालान लगाना भी। जी, ओवरफ्लो होती हुई पाई गई उस परिस्थिति। किस तरह का चालान होगा, मतलब पैसे देने होंगे लोगों को जो हरियाणा में रहता है? जी, अभी क्या आपने कहा था हरियाणा सरकार से आप बात करेंगे या आप फोन का रुख? हम हरियाणा सरकार से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन हर बातचीत के बावजूद भी हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही है। अगर अगले एक दो दिन में पानी की सप्लाई इम्प्रूव नहीं होती है तो बिल्कुल हम कोर्ट का रुख करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि अगर लगातार इस तरह पानी का लेवल गिरता रहा, वो भी इस अक्यूट हीट वेव में, तो पानी की एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली वालों के लिए खड़ी हो सकती है। कुछ एरियाज़ में ऑलरेडी काफ़ी की पानी की प्रॉब्लम हो रही है, इस क्योंकि पानी कम आ रहा है इसलिए पानी कम ट्रीटेड वाटर, पानी की सप्लाई घट गई है। जैसा मैंने कहा, मैं सभी दिल्ली वासियों से अपील करूंगी कि सब लोग ये प्रयास करें कि हम बिल्कुल भी पानी आज की परिस्थिति में वेस्ट ना करें। आप ये बताएं कितना एमजीडी पानी हर दिन जरूरत है दिल्ली को और कितना ट्रीट कर पा रही है, कितना दे पा रही है दिल्ली, जरूरत कितनी है, कितना? देखिए, वैसे भी दिल्ली में लगातार हम पानी की रॉ वाटर बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत रहे हैं। दिल्ली में हमने हिमाचल से पानी लेने के लिए MOU भी किया हुआ है। उस MOU के तहत हिमाचल पानी देने को तैयार भी है 50 MGD, लेकिन उसको भी अपर यमुना रिवर बोर्ड में हरियाणा ने रोका हुआ है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी उसको भी हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। देश भर से लोग काम की तलाश में दिल्ली आते हैं, दिल्ली में सेटल होते हैं, इसलिए दिल्ली की पानी की डिमांड बढ़ रही है। दिल्ली में पानी की सप्लाई बढ़ाने पे सरकार लगातार प्रयासरत है। हीट वेव में स्वाभाविक बात है कि पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट के समय हरियाणा जिस तरह से पानी रोक रहा है, जिस तरह से दिल्ली के लोगों के साथ राजनीति कर रहा है, ये ठीक नहीं है।
पानी का लेवल गिरने से तकरीबन 30 से 45 एमजीडी का पानी का प्रोडक्शन घट जाता है डे टू डे बेसिस पर। मैम ये एक डेटा चाहिए दरअसल, कितनी जरूरत है दिल्ली को पानी की और कितना अभी हम आपको बताएंगे।